जैसे नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन देखने से पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। हमारा कोई भी स्पेस है जिसमें छह एलिमेंट है, P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक, इसमें अब ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। हम एक पॉइंट लेंगे ए, जो कि यहाँ पे गिवन है। एक ए सेट लेंगे, नोट अ पॉइंट, जो क्या है P1, P3, P6 है जिसमें। लेकिन वो किससे लिया गया हमारा, स्पेस से। यानी कि P1, P3, P6 किसके एलिमेंट है, स्पेस के। तो क्वाइट नॉर्मल है कि ये स्पेस का है। तो एक अनदर पॉइंट लिया हमने एक्स, किससे, ए से। यानी कि P1, P3, P6 में से एक पॉइंट लिया एक्स, उसे हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कब, जब उस पॉइंट का स्मॉलेस्ट ओपन सेट। ओपन सेट कहाँ से मिलेंगे, हमारे एक्स स्पेस से, जो मिला के हम ओपन सेट बनाएंगे पावर सेट का। उसका स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा ओपन सेट है, वो यदि कंटेन कर किस में कर जाए, ए में। यदि वो हमारा ए में कंटेन कर जाता है, यानी कि सेट में कंटेन कर जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में मेन लाइन हमारी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि हम लिमिट पॉइंट पे ध्यान रखें, ध्यान दें, तो हमारा ए बिलोंग टू हमारा स्पेस से, स्पेस का सबसेट होता है ए। लेकिन हम जो उसमें लिमिट पॉइंट कहते हैं एक्स को, वो किससे लिया जाता है, स्पेस से। यहाँ पे एक्स किससे लिया जाता है इंटीरियर पॉइंट में, उस सेट से जिससे हम, जिसके लिए हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि लिमिट पॉइंट और आइसोलेट पॉइंट और एडेंट पॉइंट में हमारा जो एक्स होता है वो स्पेस से लिया जाता है, और इसमें हमारा उसी सेट से लिया जाता है जिसके लिए हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंडेड सेट में। तो हमारा जैसे ए है, इसमें P1, P3, P6 है, तो इसमें कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट हैं ये हम चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे P1 का हम ओपन सेट निकालेंगे, स्मॉलेस्ट। यदि तो हम P1 का स्मॉलेस्ट ओपन सेट देखें, तो अकेला जो है P1 सबसे छोटा यही होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए चेक कर लेंगे। तो जो हमारा एक भी ओपन सेट ए को कंटेन कर जाता है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे P1 है वो हमारा हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट। तो हम P1 के लिए चेक करेंगे, P1 के लिए कौन सा सबसे छोटा कंटेन कर रहा है, P1 जो हमारा सिंगलटन सेट है। अब P1 हमारा क्या ए में कंटेन कर, ए ए का सबसेट है। यानी कि ए जो सेट है वो P1 को कंटेन करता है क्या, जो भी हमारे जो इसके ओपन सेट आएंगे P1 के, जो P1 को कंटेन करते होंगे, वो ए के सबसेट होने चाहिए। यानी कि उसके सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करने चाहिए। तो हमारा P1 ही है इसमें खाली, तो P1 हमारा ए में है, तो हमारा ये P1 किसका सबसेट हो गया, ए का। तो हमारा P1 क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट। अब दूसरा क्या है हमारा, P3। P3 को चेक करेंगे। P3 चेक करने के लिए हम इसके वो ओपन सेट सर्च करेंगे जो P3 को कंटेन करते होंगे। यहाँ पे P1, P2, P3 वाला जो है स्मॉलेस्ट ओपन सेट यही है, जो सबसे पहले स्मॉलेस्ट P3 का ओपन सेट आया वो ये है, तो स्मॉलेस्ट भी यही होगा। तो P1, P2, P3 वाले सेट क्या हमारा A का सबसेट है, यानी कि P1, P2, P3 क्या A में बिलोंग करते हैं, जब भी हमारा सबसेट कहलाता है। P1 तो कंटेन करता है, P3 भी होता है, लेकिन P2 नहीं है, क्योंकि हमारा P2 नहीं है, इस वजह से ये A का सबसेट नहीं होता है, क्योंकि अब हमारा ये A का सबसेट नहीं है, यानी कि A से बिलोंग नहीं कर रहा ये पॉइंट X जो है, तो ये हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्या, P3 हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसी तरीके P6 का स्मॉलेस्ट ओपन सेट लेंगे, जो कि है हमारा क्या, X, क्योंकि P3 में स्मॉलेस्ट का कंप्लीट जो स्पेस है वही कंटेन कर रहा है खाली P6 को। तो क्या एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे इसमें 3 ही एलिमेंट है और कंप्लीट स्पेस में 6 एलिमेंट है। तो हमारा ये क्या हो गया, P3 भी हमारा क्या नहीं है, इंटीरियर पॉइंट। तो हमारे इंटीरियर पॉइंट को ए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर डिग्री का साइन लगाकर, इक्वल टू क्या आ गया, सिंगलटन सेट P1। तो इंटीरियर पॉइंट हमारे इन तीनों में क्या आया, केवल P1। अब यदि हमें इसका एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एक्सटीरियर पॉइंट में जस्ट इसका करते क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, जिसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।